आइए आपको ले चलते हैं मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, जहां विधायक द्वारा निशुल्क खेल मैदान बनवाकर बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक सत्यवीर त्यागी ने बच्चों के भविष्य को लेकर आने वाले समय में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सके उसी को लेकर निशुल्क खेल मैदान बनवाकर विधानसभा के अलग अलग गांव के बच्चे यहां पर आकर निशुल्क तैयारियां करते हैं। देखिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गांव के अंदर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं अगर क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो निशुल्क खेल परिषद बनवा करके जनता के लिए जो गांव के बच्चे हैं, गांव की प्रतिभा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खेल लगातार बढ़ता जा रहा है, जो प्रतिभाएं निकलती आ रही है। पदक की बात की जाए, रजत की बात की जाए, तो लगातार मेरठ के अंदर स्थितियों की बात की जाए, जो बच्चे हैं वो खेल में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर के क्षेत्रीय विधायक सतवीर त्यागी ने निःशुल्क बच्चों के लिए खेल परिषद का निर्माण करवाया। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, अनेक प्रतिभाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो इस चीज़ का दावा कर सकते हैं कि गांव के बच्चों के लिए जहां पर कोई सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, आज बीजेपी सरकार इतना करा रही है कि जनता के लिए, बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और उनके खेल कूद की सामग्री को लेकर अनेक ऐसे सामान दे रही है जिससे कि जो गाँव देहात के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो अपना आगे हासिल कर सकें, अपने भविष्य को लेकर के जो चिंता में लगातार रहते हैं, आज उनके लिए एक खुशी का मौका है। मैं सब तौर पर दिखाना चाहूँगा कि जो सतवीर त्यागी खेल परिषद निःशुल्क लिखा हुआ है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार में ऐसे वो कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं जो जनता साफ तौर पर देख सकती है। जो बच्चे हैं जिनके लिए लगातार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चिंता जताते रहते, लेकिन आज के समय में यहाँ खेलते हुए बच्चे साफ जाहिर कर रहे हैं, इस मैदान में खेलते हुए बच्चों का साफ जाहिर हो रहा है कि गरीबों के लिए विशेष ध्यान देने वाली सरकार, बीजेपी सरकार सामने आ रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक जो लगातार विकास को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, आज उनका एक ऐसा काम सामने आया है जिस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी। बच्चों के लिए निःशुल्क जहां पर प्रशिक्षण चल रहा है, वो केंद्र है जो सतवीर त्यागी हैं यहां के विधायक, किठोर विधानसभा विधायक के सौजन्य से यहां पर जो बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो लगातार बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं रजत और पदक जीत करके लगातार देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और लगातार अगर मेरठ की बात की जाए तो किठोर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विधायक हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, गाँव के बच्चों के लिए, उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात देखी जा रही है यहाँ पर जो लोग हैं, दिखाना चाहूँगा अनेक बच्चे यहाँ पर किस तरह से अपना अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हीं को लेकर के इनके कोच हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है कोच साहब आपका? लोकेश यादव जी। लोकेश यादव जी, अगर देखा जाए यहाँ पर अनेक बच्चे अपना अभ्यास कर रहे हैं, अभी तक की बात की जाए तो क्या मेरठ के बाहर भी इन बच्चों में से कोई खेलने गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास 3 बच्चे हैं जो मेरठ से बाहर खेल रहे हैं, जैसे कि कानपुर 66 बच्चे इवनिंग टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट, और 66 बच्चों में से 1.5 महीना करीब मेरे को प्रैक्टिस कराते हो चुका है, और इन बच्चों में काफ़ी सारी प्रतिभाएं निकल कर के सामने आई हैं और जो आने वाले टाइम पे एक बड़े अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं। देखिए लगातार बोर्डों देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ स्टेडियम के बोर्ड लगे हुए हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण, निःशुल्क सतवीर त्यागी, माननीय सतवीर त्यागी के द्वारा, तो क्या वास्तव में चाहिए? इनफैक्ट हमारे पास मॉर्निंग में फैसिलिटीज नहीं जो जिनके पास करीब 150 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर भी फैसिलिटी से बच्चों को भी कोई भी शुल्क वसूला नहीं। क्षेत्रीय विधायक के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जनता के लिए लगातार गरीब बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं? मैं माननीय सतवीर त्यागी जी विधायक जो है हमारे क्षेत्र, उनके सौजन्य से ये ग्राउंड तैयार हुआ है, उनके माध्यम से ये ग्राउंड तैयार हुआ है, तो मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है और सबसे बड़ा काम, मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, खेल से जुड़ा हुआ हूँ, तो जनपद लेवल पे उन्होंने बच्चों के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए अपने भाई निकलने
लगातार देखा जा सकता है कि यहाँ पर बच्चों के लिए जिस तरह से लगातार क्षेत्रीय विधायक प्रयास कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं गांव के बच्चों के लिए, जहाँ पर सरकार अनेक सरकार आई और गई लेकिन बच्चों के लिए देहात क्षेत्र के अंदर कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी सरकार में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ जो जनता है, जो बच्चे हैं, उनका साफ कहना है कि यहाँ प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर खेल का मैदान बनाया गया है, क्योंकि अनेक ऐसी प्रतिभाएं हैं जो गांव से निकल करके अच्छे लेवल तक खेलती हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए। देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर जिस तरह से प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, खेल कूद का मैदान बनाया गया है, उसी को लेकर के यहाँ कुछ काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हकीकत की यही बता सकते हैं क्षेत्र के लोग क्या वास्तव में यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है निःशुल्क जो यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है, बच्चों का अभ्यास चल रहा है खेल कूद के लिए, क्या वास्तव में। दादी क्या नाम है आपका? सुषमा जी, लगातार सुषमा जी ये बताइए, लगातार देखा जा रहा है कि बच्चों के लिए आपके क्षेत्र के लिए ये एक अच्छा खेल कूद का मैदान दिया गया है, क्या मानते हैं इससे? बढ़िया बढ़िया हो रहा है बच्चों के। क्षेत्र के विधायक आपने कभी यहाँ पर देखे हैं? नहीं नहीं हो रहा। अच्छा नहीं देखे। कभी विकास कुछ करवाया है आपके क्षेत्र में, गाँव में कुछ रास्ते वगैरह करवाई है? ऐसा नहीं करवाया। अच्छा आपका क्या नाम है? सूरजमुखी जी। सूरजमुखी जी बात की जाए यहाँ की जो साफ सफाई आप कर रही हैं इसको लेकर के और क्षेत्र की बात की जाए तो कितनी आप सुरक्षित हैं? अच्छा ही है जी, जो भी आपने करवाया है बच्चों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको। देखिए और सरकारों में लगातार महिला अगर खेत पे काम करने जाती थी तो वहाँ पर मर्डर हो जाते थे, बदतमीजी होती थी उनके साथ, लेकिन आज की सरकार कैसी है? सही है, बहुत अच्छी लग रही है, गरीबों के लिए भी बहुत कुछ है। आपको राशन वगैरह मिलता है समय पर? मिलता है जी, मिलता है। निःशुल्क मिलता है या पैसों में मिलता है? नहीं अब तो फ्री मिल रहा था, पैसों में मिल रहा। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है जी? कमली जी, अगर बात की जाए, देखिए पहली सरकारों में जिस तरह से लगातार महिला पर अत्याचार होते थे, लेकिन आज की सरकार की बात की जाए तो कितना सुरक्षित महसूस कर पाती हैं आप? आज की सरकार में कुछ नहीं है, रोड और अच्छी सरकार है, बच्चों के लिए सुविधा अच्छी है, हमारे आने वाले भविष्य में। अच्छा आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं आने वाले भविष्य में सुरक्षित हैं? अच्छा आपका क्या नाम है जी? कविता जी, अगर गाँव के विकास की बात की जाए तो क्या रोड वगैरह नाली वगैरह कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? सब सही हो रहे हैं। सब काम हो रहे हैं। अच्छा देखिए क्षेत्र के अंदर ये आपके लिए खेल कूद का मैदान बनवाया गया है, तो इसको लेकर के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी सुविधा के लिए हो रहा है, तो अच्छे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। अच्छा आप यहाँ पर साफ सफाई कर रही हैं, क्या आपको इसको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? काम का पैसा मिलता है। क्या क्षेत्र के अंदर कभी दुख दर्द में कोई विधायक आपके क्षेत्र के विधायक आकर के मदद करते हैं या नहीं करते हैं? मदद ही कर रहे हैं। पहले नहीं हो पाई किसी के विधानसभा में, अब लेकिन फिलहाल हो रही है मदद। आपका क्या नाम है जी? बबीता जी, अगर देखिए लगातार बच्चों के लिए सरकार भी अनेक प्रयास कर रही है, आपका क्या मानना है जो यहाँ पर विधायक ने काम करवाया कितना सही है? अच्छा आपके लिए कोई योजना मिल पा रही है सरकार की या नहीं मिल पा रही है? राशन मिल रहा है। देखिए लगातार अगर देखा जाए तो सरकार को लेकर के अनेक सवाल उठते हैं, महिलाओं को लेकर के अनेक सवाल उठते हैं, तो वास्तव में क्या आप मानती हैं कि आप सुरक्षित हैं इस समय पर? पहली सरकारों में लगातार दिक्कत रहा करती थी, आज वो दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है? नहीं नहीं। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से पहली सरकारों में परेशानी रहा करती थी, लेकिन आज के समय में यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, महिला सुरक्षित है। और लगातार अगर क्षेत्र के विधायक की बात की जाए तो विकास को लेकर के जो क्षेत्र में सुर्खियों में रहा करते हैं, यहाँ पर जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क मैदान बना करके, खेल परिषद बना करके लोगों की मदद की जा रही है।